अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ जो दूध की बलाई जमा की हुई थी हमने, उससे बटर और देसी घी बनाऊंगी। सो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बलाई है जो हमने काफ़ी दिनों से इकट्ठी की हुई है, दूध की बलाई है ये। इसे आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, और मैं इसे यहाँ पर जग में डाल रही हूँ, ब्लेंडर जग जो होता है उसमें। ये बलाई मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, सो थोड़ा सा ये टाइम ले रही है नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के लिए। मेक श्योर कि बलाई जो है वो ठंडी ही होनी चाहिए, इसलिए मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। बस इस टेम्परेचर की हो के जग में जब हम ब्लेंड करने के लिए डालें तो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, और ठंडा पानी ऐड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। और ब्लेंड कर लिया है हमने, और ऊपर बटर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश बटर बन चुका है, ये देखिए। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक बाउल में आइस डाल लें और उसके अंदर ही बटर मिल्क और बटर ऐड कर देंगे, इससे इजीली जो बटर है वो सेपरेट हो जाएगा। आइस मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि बटर जो है मेल्ट ना हो जाए बटर मिल्क में, डेट्स वाई आई एम यूजिंग आइस। अब इसे हाथों की मदद से निकाल लेंगे और बटर मिल्क सेपरेट कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे, मेक श्योर कि सारा बटर मिल्क बटर से बाहर आ जाए। ये देखिए बटर तैयार हो चुका है, इसी तरह से बाकी बटर भी सेपरेट कर लेंगे। और इसी तरीके से बाकी बलाई जो है वो भी मैंने ब्लेंड करके निकाल ली है, तो उसका बटर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप चाहें तो बटर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका देसी घी बनाकर तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी बटर से मैं देसी घी बनाऊँगी, आप लोग ये भी देख लीजिए कि देसी घी कैसे बनता है बटर से। सो इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर बटर ऐड कर रही हूँ। इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है ये बटर, और इसके साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। तो ये घी जो है ठंडा हो चुका है, इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो ब्राउन पार्ट्स हैं वो अंदर ना जाएं। लीजिए हमारा देसी घी तैयार हो चुका है, आप लोग बटर भी इसी तरीके से बना सकते हैं और देसी घी भी बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।